पैसा गांठ तो जरूर साथ, छत की बहन अनछत का भाई, रस भर नगरी बिश्वेल कन्या, जागे सो पावे सोवे जो खोवे। श्रोताओ, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल और आज हम एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। आइए इस कहानी को सुनते हैं और तब इस पहेली का अर्थ लगेगा। एक बार एक राजकुमार था, वो एक गुरु के पास में विद्या सीख रहा था। जब उसकी विद्या समाप्त हो गई तो उसके गुरु ने उसे सात बातें बताई और वो सात बातें यही थी, पैसा गांठ तो जोरू साथ, छत की बहन अनछत का भाई, रस भर नगरी विश्वेल कन्या, जागे सो पावे सोवे जो खोए। तो श्रोताओ, आइए अब हम इस पहेली का अर्थ इस कहानी के आधार पर लगाएंगे। तो उसके गुरु ने ये सात बातें कही थी, तो राजकुमार इन सातों बातों को ग्रहण करके अपने राज्य के लिए लौटता है। तो पास का एक राजा होता है, वो उसके माता पिता पर आक्रमण कर देता है और राज्य पर कब्जा कर लेता है। ये सूचना उस राजकुमार को मिलती है और राजकुमार उस सूचना को पाकर के दुखी होता है। वो सोचता है अगर तू भी जाएगा तो तुझे दुश्मन राजा के जो सिपाही हैं वो बंदी बना लेंगे, इसलिए वह नहीं जाता है। इसके बाद में वो सोचता है क्यों ना मैं मेरी ससुराल चलूं और वहां जाके सेना संगठित कर लूंगा। तो श्रोताओ, उस राजकुमार की पत्नी उसके पीहर में ही थी, इसलिए वह जाता है और एक कुएं पर बैठ जाता है और संदेश भिजवा देता है कि इस प्रकार से वह वहां का जो राजकुमार है वो आया है। तो उसका जो ससुर होता है उसे विश्वास नहीं होता है और वह संदेश वाहक भेजता है। संदेश वाहक उसके पास में आता है और देख करके सही सूचना देता है। तो राजा एक पत्र लिखवा करके भेज देता है और कहता है कि आप हमें क्यों बेइज्जत करना चाहते हो, आओ तो घोड़े और गाजे बाजे के साथ में आना और तब लड़की को ले जाना। तो इस प्रकार से वह उस पत्र को पढ़ करके वापस लौट आता है और वापस लौटने के बाद में वो सोचता है मैं अपनी बहन के पास चलूं। तो वह बहन के पास जाता है। बहन के पास जाकर के जब वो पहुंच जाता है तो वहाँ सूचना भिजवाता है कि उसका भाई आया है। तो उसकी बहन कहती है कि मेरा भाई तो ऐसे नहीं आ सकता, लेकिन वह भी संदेश वाहक के माध्यम से सूचना प्राप्त करती है। तो इसी प्रकार से वह भी उससे कहती है कि आप यहाँ से वापस लौट जाओ, आप ऐसे कैसे आए हो, आप हमारी बेइज्जती कराना चाहते हो। तो इस प्रकार से बहन भी उस भाई को भगा देती है। तो श्रोताओ, इसके बाद में वो अपने ननिहाल में जाना चाहता है। ननिहाल में उसके नाना के कोई पुत्र नहीं था, तो उसका ही एक भाई वहाँ था, तो इसलिए वह अपने भाई के पास जाता है। भाई उसे तुरंत पहचान लेता है और दोनों वहीं आराम से रहते हैं, सेना बनाते हैं और इसके बाद में वो अपने राज्य को प्राप्त कर लेते हैं और वो माता पिता को और उनका एक भाई था उसे आज़ाद करा देते हैं। लेकिन श्रोताओ, वह राजकुमार अपने भाई के साथ रहता है और एक दिन शिकार खेलने की अनुमति चाहता है। तो बड़ा भाई उसके साथ में 10-20 सैनिक और भेज देता है, लेकिन वह कुछ आगे निकल जाता है और सैनिकों से बिछड़ जाता है। तो वह एक दूसरे राज्य में जाकर के पहुंच जाता है और एक भटियारी के पास में रुकता है। जब पूरी रात बीत गई तो
तो अगले दिन क्या था, उस राजा का एक नया नियम था कि उसकी पुत्री से एक व्यक्ति रोजाना शादी करता था और शादी करने के बाद में वह व्यक्ति रात्रि में मरा हुआ मिलता था। तो आज का जो दिन था वो भटियारी के पुत्र का नंबर था। तो भटियारी रो रही थी तो वह भटियारी को समझाता है कि वह तेरे पुत्र को नहीं जाने देगा और खुद जाएगा। इस प्रकार से राजकुमार रात्रि में खुद जाता है तो उसकी राजकुमारी के साथ में शादी कर दी जाती है। वह राजकुमारी से खूब बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद में जब बातचीत उनकी हो जाती है तो जब वह बातचीत कर लेता है तो रात्रि में जैसे ही 12 बजते हैं राजकुमारी सो जाती है। और जब राजकुमारी सो जाती है लेकिन वह जागता रहता है और जैसे ही 2 बजते हैं तो एक सांप राजकुमारी के मुंह में से निकलता है लेकिन वो जागा होता है। जैसे ही सांप बड़ा होता है तो वह उसे अपनी तलवार से काट देता है और इस प्रकार से राजकुमार सुबह तक जीवित रहता है। लेकिन राजा के सिपाही आते हैं, वो सोचते हैं कि चलो जैसे रोजाना का व्यक्ति मरता है आप उसे लाके उसके घर वालों के लिए सौंप देते हैं। तो जैसे ही सिपाही आते हैं तो राजकुमार जिंदा मिलता है। इस बात से वहां का राजा बहुत खुश होता है और जब वो बहुत खुश होता है तो आराम से रहने के लिए कहता है। इसके बाद में वो राजकुमारी और वो राजकुमार अपने राज्य के लिए लौटते हैं। तो श्रोताओं, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए पहले तो हम इसका अर्थ लगाते हैं। पैसा गांठ तो जोरू साथ, पैसा गांठ, अगर पैसा गांठ में बंधा हुआ है अर्थात पैसा पास में है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है, जोरू साथ। और इसी प्रकार से पत्नी भी साथ में होनी चाहिए क्योंकि जो उसकी दूसरी पत्नी थी वो पिहर में थी तो वो कोई काम की नहीं थी। लेकिन अब ये दूसरी राजकुमारी जो इसके साथ थी ये सब काम की थी। अगला है छत की बहन अनछत का भाई। छत की बहन, जब वो उसका राज्य नहीं छिना था तो बहन भी उसकी चापलूसी करती थी। लेकिन जब वह बिना रथ घोड़ों के और उनके गया तो बहन ने भी उसे भगा दिया। अनछत का भाई, लेकिन भाई का क्या सिस्टम होता है, भाई तो भाई को पहचान ही जाता है। इस प्रकार से भाई ने उसको रख लिया था। रसभर नगरी विश्वेल कन्या, और श्रोताओं वह जिस नगरी में आया था वो रस भरी हुई नगरी थी क्योंकि उसमें रोजाना की एक शादी होती थी राजकुमारी के साथ, तो हर व्यक्ति खुशी होता था। विश्वेल कन्या, और उसमें वह विश्वेल कन्या रहती थी। जागे सो पावे, सोवे जो खोवे, जागे सो पावे। अब राजकुमार जागता रहा इसलिए उसने राजकुमारी को प्राप्त किया। सोवे जो खोवे, और जो अन्य लड़कों से उस राजकुमारी की शादी होती थी तो वो सो जाते थे और इस प्रकार वो सांप के द्वारा काटे जाने पर मारे जाते थे। तो श्रोताओं, इस प्रकार से इस पहेली का अर्थ लग चुका है। और अब मेरा श्रोताओं से निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।